तो भाई लोग ये वाला गेम प्ले शुरू होता है कुछ इस तरीके से। मैं जस्ट लैंड किया हूँ भाई गाड़ी पे और लेके जा ही रहा था कि पीछे लग गया ये वाला हैकर। अब जैसा कि भाई मैं गाड़ी पे हूँ तो गाड़ी से तो मार सकता नहीं, तो ज़रूर इसके पास गन है और ये बंदा मेरा तब तक पीछा नहीं छोड़ता भाई जब तक 40 बंदे अलाइव नहीं रह जाते। गाइस देखना तो गाइस यहाँ पर अलाइव बंदे देखो, और ना मेरे पास हेलमेट है ना वेस्ट है, जोन भी क्लोज हो रहा है और ना गन है। तो गाइस क्या लगता है यहाँ से मैं मैच निकाल पाऊंगा? हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो गाइस कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और क्यों नहीं डाला वो तुमको आज इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है इतनी ज़्यादा है कि मतलब इस वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगी, वो अगला वीडियो में बनाना पड़ेगा। तो गाइस कहीं से स्किप करने की गलती से भी मत करना। और फिलहाल मैं कूद गया हूँ ये गाड़ी पे, नहीं साइड में कूदा हूँ, ऊपर कूदेंगे तो भाई रिपेयर कराने का खर्चा हमारे पास नहीं है। अब ये पीछे कौन है बे? अच्छा ये बॉट नहीं है, असली बंदा है। इतनी परफेक्ट लैंडिंग वही कर सकते हैं। तो गाइस उससे पहले ये जो सिचुएशन चल रही है इसकी बात कर लेते हैं। हम जा रहे थे भाई गाड़ी से सेफ जगह लूट करने और हमारे पीछे लग गया भाई ये हैकर। मतलब इसको कैसे पता ये मैं हूँ, और जब मैं गाड़ी में हूँ तो ये गाड़ी लेके पीछे क्यों आ रही ये समझ नहीं आ रहा। गाड़ी से गाड़ी के अंदर ही मारेगा मुझे, तो मैं समझता हूँ भाई इसके पास गन है। और इसने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनके पास गाड़ी खड़ी रहती है और करके लेके आ गया होगा ये। अब क्या करें, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं? तो गाइस ये देखते जाओ क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और तब तक मैं अपनी अनाउंसमेंट और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारा चैनल भाई मोनेटाइज हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल दिन को मेरे को मैसेज आया ईमेल पे और जो स्टूडियो है यूट्यूब का उसमें भी आ गया था नोटिफिकेशन कि भैया जी आप हमारे पार्टनर प्रोग्राम के हिस्सेदार हो गए हैं, अब आप मनी कमा सकता है इससे। तो गाइज अगर तुम लोग को कहीं किसी भी वीडियो में हो सकता है आए एड्स, तो गाइज उनको स्किप मत करना फिलहाल के लिए। तो अभी स्टार्टिंग है ना भाई, बाद में तो तुम करोगे मैं बोलूँगा, फिर भी स्टार्टिंग में तो तुम देख लेना, या फिर क्लिक करने से कोई फ़ायदा होता तो क्लिक भी कर देना, वापस आ जाना और क्या वीडियो देखने। अब एक और बात की, अगर तुम लोग को एड शो हो रहा है ना मेरे वीडियो पे, तो गाइज टाइम बता देना स्टार्टिंग में या फिर इस टाइम पे, और एड मतलब इन्फॉर्मेशन बता देना वो ऐड किस बारे में था और कितने सेकंड का था, ये ज़रूर बता देना ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर सकूं और रिसर्च कर सकूं, ठीक है ना। अब इस बंदे ने जब मेरा पीछा करना स्टार्ट किया था भाई 95 बंदे अलाइव थे, और तो गाइस इस बंदे ने मुझे इतना भगाया है और मैंने भी इसको भगाया है, दोनों ने एक दूसरे को भगाया है, और ये इतना ढीठ है कि भाई पीछा छोड़ने का नाम ही ले रहा है, भले ये सेलमोन बॉय बन जाए। देखो भाई ये तो अभी देखो भाई अभी भी पीछे आए जा रहा भाई, गाड़ी चेंज कर करके, और बंदे देखो अभी 39। अब ना तो मेरे पास हेल्थ है, बोट ने हेल्थ खाली मेरे ऊपर, अब बोट भी बड़ा प्रो बन रहा था एक तो ऊपर से, अब मेरे पास ना हेल्थ है ना वेस्ट है, हेलमेट भी नहीं है, ऊपर से गन ही नहीं है। मतलब क्या लगता है गाइस क्या होगा हमारा? तो गाइस यहाँ पर वो बंदा थोड़ा उधर, क्या पता बोट स्पॉट हुआ उसको या फिर कोई बंदा था उधर चले गया था वो, और मैं आया था इस सेक पे। यहाँ पर हमको एक शॉट गन मिल जाती है और उसके बाद मैं आ गया ये वाले कंपाउंड पे, और यहाँ वाले कंपाउंड पे हमको कुछ अच्छा खासा हेल्थ मिल जाता है, और हेल्थ के नाम पे ये पेन किलर, मतलब इसको ले लेते हैं, गरीबी में आटे गिला, मतलब कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा है। अब ये हमारा हेल्थ भर लेगा थोड़ी बहुत, और यहाँ हमको एक ऑटो गन यानी कि यूएमपी, मतलब और क्या चाहिए हमको, यूएमपी ही तो है सब कुछ। मतलब यहाँ पर लूट के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस M4 मिली और यूएमपी मिली, मतलब हेलमेट दे देता तो क्या घिस जाता तेरा, कोई नहीं हम दूसरी जगह से ले लेंगे। और यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद एक छोटा मोटा कंपाउंड लूटता हूँ, वहाँ से मुझे हेलमेट मिल जाता है और मिला भी है लेवल 1 का, मतलब ये भी चलेगा अभी तो। और उसके बाद हम एंट्री मारते हैं सीधा फाइनल जोन में, और मैं आ गया हूँ ये गोवा बीच पे जहाँ पर ये बिकनी शूट के लिए जाते प्राणी को हम दबोच लिया है। अब मैं निकलने वाला था अभी जोन के लिए, और यहाँ पर देखो गाइस एक यूएसएड का साउंड आता है। अब देखो गाइस इसको कैसे लेता हूँ, तो भाई एक बार ये जंप करके मेरे पे फायर करने वाला था लेकिन इसको काउंटर फायर में मार दिया। ये एंटिसिपेट ही नहीं कर पाया कि ये बंदा भाग गया होगा या फिर यहाँ पर जंप करके मेरा ही मतलब कत्लेआम मचा देगा, और फिलहाल तो भाई मारा गया है। तो गाइस यहाँ देखो एक तरफ रेड जोन और एक तरफ ब्लू जोन और एक तरफ पानी, मतलब तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो।
तो गाइस यहाँ पर आकर बग्गी रोक के मैं एक बार तो हील कर लेता हूँ और जोन बना है मिलिट्री में। अब यहाँ पे है भाई बोट और बोट लेके जाना पड़ेगा और ब्रिज कैंप से मैं मर जाऊँ फिर भी नहीं आता हूँ, कभी भी नहीं आता हूँ, वहाँ का हमारा इतिहास बहुत बुरा रहा है। अब यहाँ पे मैं बोट लेके जैसे तैसे निकल ही लेता हूँ और कुछ भी हो, मतलब मेरे पास कोई दूसरा जो रास्ता है वो था नहीं। तो मैं भाई राम भरोसे आ गया और लकीली मतलब किस्मत हमारी अच्छी रही कि पुल से किसी ने फायर नहीं दिया, क्योंकि ये जो मतलब कमज़ोर होती है बोट जल्दी फायर करने पे फोड़ जाती। तो गाइज यहाँ पर हम आ गए जोन में और यहाँ पर थोड़ा हेलमेट वेस्ट ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन नहीं भाई आज किस्मत में था ही नहीं, मतलब एंड तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला है हेलमेट वेस्ट के नाम पे। और अब यहाँ से जोन शिफ्ट हो जाता भाई आगे, मतलब जोन छोटा हो रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ से आगे थोड़ा ओपन है और यहाँ से कैसे जाऊँगा मैं, अब यहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ ऊपर देखो भाई फायर होने लग जाता है। अब कोई भी आइडियल बंदा जिधर फायर होता है उधर ही नोटिस करेगा, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैं निकल लेता हूँ ओपन से। और आ गए इन वाले कंपाउंड में, यहाँ से मुझे एक बग्गी दिखती है और इस बंदे को मैं ले लेता हूँ। और आमतौर पे मेरा जो व्हीकल फायर है भाई बहुत ही ख़राब हो गया, फिलहाल तो हम BRDM को डैमेज करने की सोच रहे लेकिन बिल्कुल कम HP पे बच ही जाता है ये बंदा, फिलहाल कूद गए। और अब हमारे होने वाले फाइट, और फाइट कैसे भाई एकदम इंटेंस, मतलब पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता है इस समय। अब वो बंदा देखो भाई क्या ही मूवमेंट दे रहा है, इधर उधर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन इस बंदे का क्या बोले भाई हिप फायर या क्लोज रेंज फाइट मतलब बहुत ओपी था। और देखो गाइस ये बंदा मुझे कैसे मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है एक बार। और इस तरह ये भाई मारा जाता है। और यहाँ पर देखो गाइज स्टार्ट हो गया जोन, मतलब हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं दिया जोन ने। तो गाइज यहाँ पर तो फटाफट मैं एक बार हील कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे स्मोक करना आ गया। अब यहाँ पर एक बार तो स्मोक कर देते भाई, मतलब जितना स्मोक है कहीं काम नहीं आने वाला हमारा इसके अलावा। अब इतने में दिमाग आता भाई ये बंदा तो BRDM लेके आया था और उसको मैं ले लेता हूँ। अब जैसे मैं गेट इन होता हूँ तो सबसे पहले इसकी हेल्थ देखता हूँ भाई कितनी हेल्थ है, मतलब नाम की हेल्थ, ये हेल्थ के नाम पे एच ही है बस, पूरी हेल्थ नहीं है। और जोन भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है, तो गाइस फटाफट निकलना पड़ेगा। अब देखना गाइस मैं कैसे जोन में जाता हूँ, ऐसे जोन में आता हूँ, मुझे तो बस जोन में आना था, बाकी सर्वाइव की गारंटी थोड़ी दी थी मैंने। तो गाइस मेरी और BRDM की मतलब जो हेल्थ थी बिल्कुल नाजुक अवस्था में थी। और एक बार को मैं सोच रहा था कि भाई जंप कर लेता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ थी वो बोल रही थी नहीं जंप नहीं करने का वरना मरेगा तू। तो मैंने कहा भाई इसमें कौन सा जिंदा रह जाएंगे, हम दोनों बात कर ही रहे थे कि इतनी में हमारी BRDM मतलब हमारी कन्वर्सेशन
अधूरी रह जाती है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे गाइस, तो ये वाला वीडियो मतलब जहाँ हैकर हमारे पीछे पड़ा हुआ था भाई, मतलब बिना हेल्थ वेस्ट गन के हम यहाँ तक सर्वाइव किया। तो गाइस ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसे कहते हैं भाई अनबिलीवेबल सर्वाइवल, और इस तरीके के जो सर्वाइवल है इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था भाई, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने आधी अधूरी भी नहीं बताई, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ ही दूंगा कल वाले वीडियो में। तो गाइस अगर तुम लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को, और तुम लोग मुझे देख सकते हो एशिया लीडर बोर्ड नंबर 1 रैंक पे, और डेली मैं वीडियो डालता हूँ भाई 100 लोग कॉन्कर लीग के, मतलब जो लीडर बोर्ड के मैच खेलता हूँ वो डेली डालता हूँ। तो गाइस जो भी नया हो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, और अपन मिलते हैं यार कल। तो चलो यार बाय। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You'd text me, I love you, and then I'd fucking ghost you. The big guys.